शहर में बन रहे सुभाष नगर ओवरब्रिज की शुरुआत में ही लापरवाही सामने आने लगी है। निर्माण के दौरान बढ़ती जा रही लापरवाही के कारण कल शाम को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। गनीमत है कि इस हादसे में कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। सुभाष नगर रेलवे फाटक के पास बन रहे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य के दौरान कल शाम को हुए इस हादसे में वही पास में रहने वाले मुबारक कुरैशी का मकान क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में ब्रिज निर्माण में उपयोग में आने वाले लोहे के सरिये मकान पर जा गिरे, जिससे मकान का बाथरूम सहित आगे वाले कमरे को नुकसान पहुंचा है। कमरे में रखे सामान, टीवी, फ्रिज आदि क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। जिस मकान को नुकसान पहुंचा है उसमें निवास करने वाले परिवार का कहना है कि हम बच गए, यह खुदा का शुक्र है। इस परिवार ने नुकसान की भरपाई की मांग की है। टूट गया ये मेरी माँ लंगड़े लूले, अब कह जाएंगे हमारा नुकसान काफी हो गया। फ्रिज कूलर सब टूट गया, मेरा मेरा पेरा माल बदला, दोनों माल डाला मुख्यमंत्री ने बदला था। अरे छुप रहे, रो क्यों रहा है? पिछले विगत एक वर्षों से प्रशासन को लगातार सहयोग देकर हमने बताया कि इस क्षेत्र में जितनी भी मुआवजा राशि बांटी जाना है 109 मकानों को तुरंत बांट दी जाए, किंतु शासन द्वारा 12 करोड़ और 62-63 लाख रुपए करीब हो रही है। 12 करोड़ रुपए शासन को मिल चुके हैं। 17 मार्च को भी माननीय जिलाधीश महोदया को एक ज्ञापन दिया गया था और उसमें बताया गया था कि तुरंत मुआवजा राशि वितरित कर दी जाए ताकि बारिश में लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन प्रशासन की लचर और कोरोना काल के कारण उदासीनता इस कार्य के प्रति देखी गई, जिससे आज यह हादसा हुआ है। अगर ये मुआवजा बांट दिया गया होता तो अभी 20 फीट दूर सलिए गिरते, जिससे ये कोई हादसा नहीं होता और इससे काफ़ी जनहानि होने की संभावना बनी रहेगी जब तक ये ब्रिज का कार्य चलेगा। अतः आप इस कार्य को तुरंत से तुरंत स्वीकृति प्रदान करें। आज दिन में भी हम SDM श्रीमती सुराली जैन से मुलाकात हुई, जिन्होंने कहा है कि आज की मीटिंग में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाकर और हम 2 या 3 दिन के अंदर मुआवजा राशि वितरित कर दी जाएगी। किंतु शाम होते होते हादसा हो गया जिसमें किसी की जान न गई, ये एक बहुत सुखद है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति का काफ़ी मात्रा में पूरा नुकसान हुआ है। राज्य में सरकार बदलते ही रतलाम के जिला पंचायत उपाध्यक्ष DP धाकड़ को उज्जैन संभाग आयुक्त ने पद से हटा दिया है। यह कार्रवाई DP धाकड़ द्वारा रतलाम शहर की पूर्व महापौर डॉक्टर सुनीता यारदे के परिवार के साथ की गई धोखाधड़ी मामले में हुई सजा के कारण की है। वर्तमान में DP धाकड़ हाईकोर्ट से मिली जमानत पर बाहर है। हाईकोर्ट ने धाकड़ को दोष सिद्ध पर कोई राहत नहीं दी है तथा मामला अभी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिससे जनप्रतिनिधि होने के नाते लोकहित में उपाध्यक्ष पद पर बने रहना अवांछनीय है। इस आधार पर संभाग आयुक्त आनंद मिश्रा ने धाकड़ को पद से हटाते हुए 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य भी घोषित किया है। इस मामले पर DP धाकड़ का कहना है कि यह कार्रवाई राजनीति दुर्भावना के चलते हुई है, वो इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। अब मेरे साथ उज्जैन कमिश्नर द्वारा दबाव पूर्वक एक झूठी कार्रवाई कराई गई है। मुझे पहले भी पद से पृथक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया था, लेकिन वह कार्रवाई अनुचित थी, इसलिए उस कार्रवाई को शून्य घोषित कर दिया गया। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हम लोगों ने जनहितैषी काम करते हुए इनकी गतिविधियों को लगाम लगाने के लिए जन विरोधी नीतियों का विरोध किया। मजदूर और किसानों के घर जा जाकर लड़ाई लड़ने लगे, तब जाकर इन्होंने एक वो फाइल जो शून्य घोषित हो सकी थी उसको वापिस कार्रवाई में लाए और मुझे पद से पृथक करने का काम किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, पूर्व में जो CEO थे उन्होंने रतलाम जिला पंचायत में 7 करोड़ रुपए का गबन किया है। अब मैंने जो कांग्रेस के सरकार में उसके खिलाफ कार्रवाई करी थी वो सबके संज्ञान में आ गई है, इसलिए इन्होंने तत्काल प्रभाव से अधिकारियों ने और नेताओं ने मुझे पंचायत की समिति से बाहर कराने का काम किया है। मैं अवगत करा देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये 6 साल के लिए मुझे क्या निकाले, 60 साल के लिए निकालेंगे तो भी मैं मजदूर किसान की लड़ाई लड़ता रहूंगा
और इन्होंने जो घोटाले किए हैं एक एक घोटाले को हम उजागर करने का काम करेंगे। नगर निगम के सफाई दरोगा सुरेश निंदाने के खिलाफ आज एक परिवार कलेक्ट्रेट परिसर में भूख हड़ताल पर बैठ गया। इस परिवार का आरोप है कि सुरेश निंदाने ने नगर निगम में सफाई कर्मचारी की नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे रुपए लिए, लेकिन नौकरी आज तक नहीं मिली। सुरेश निंदाने के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत सभी जगह की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस परिवार को तहसीलदार द्वारा शिकायत पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, तब यह परिवार भूख हड़ताल समाप्त कर कलेक्ट्रेट परिसर से गया। 3 महिलाएं और 4 पुरुष आज सुबह सुबह कलेक्ट्रेट खुलते ही परिसर में हाथों में तख्तियां लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। इनकी मांग थी कि नगर निगम में सफाई दरोगा सुरेश निंदाने ने नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे हजारों रुपए ले लिए, किंतु आज सालों बीत जाने के बाद भी नौकरी नहीं मिली। अपने रुपए वापस लेने के लिए जब सुरेश निंदाने से बात की जाती है तो वह धमकी देता है, अब हमने सभी जगह शिकायत की किंतु कोई सुनवाई नहीं हुई, मजबूरी में भूख हड़ताल जैसा कदम उठाना पड़ा। 3 महिलाएं और 4 पुरुषों के द्वारा की जा रही भूख हड़ताल को देखते हुए जिला प्रशासन सक्रिय हुआ। तहसीलदार ने परिवार की बात सुनी और कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब भूख हड़ताल समाप्त हुई। मेरा नाम सुमन भाई खरे। आज आप यहाँ सब धरना प्रदर्शन में बैठे, क्यों बैठे? हम इसलिए बैठे हैं सर कि हमने सुरेश को पैसा दे रखा है, मेरे पति को मेरे शांत हुए को 4 साल होने को आ रहा है, और अनुपमा नीति मेरे लड़के का नाम नौकरी लेना चाहती हूँ, उसको हमने पैसा दे रखा है। आजकल घर जाते हैं तो मिलता नहीं है, और मिलता है तो बोले हाँ करूँगा। मैं भी 2-3 चक्कर नगर निगम गई, सबसे मिली जुली, सबसे बातचीत करी, कोई अभी मेरी सुनवाई नहीं हो रही। अब मैं बताओ क्या करूँ उस बच्चे का, मेरे को पेंशन मिल रही है तो पेंशन में क्या गुजर बसर होता है आज के ज़माने को देखते हुए। कितना पैसा दिया गया था और क्यों दिया गया था? मैंने उसको 70,000 दे रखे नौकरी के वास्ते। इधर सुरेश निंदाने परिवार का कहना है कि यह सब आरोप गलत है, उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, हम सभी तरह की जांच में सहयोग करेंगे। जो भी आरोप ये लोग हर जगह पे लगा रहे हैं, पिछले कई दिनों से देखने में भी आ रहा है, मीडिया में भी देखने में आ रहा है, अब कोई भी चीज़ आरोप प्रति आरोप लगाए तो एक दरोगा पर अगर कोई बड़े उच्च अधिकारी का आरोप लगाते हैं तो उन अधिकारी के पास ना दरोगा के पास उस चीज़ का पावर है, ना वो किसी की नियुक्ति नौकरी लगा सकते हैं, ना किसी की नियुक्ति कर सकते हैं। अन्यथा ये लोग ना कोई प्रूफ है, ना कोई इस चीज़ का, ना कोई इनके पास पुख्ता सबूत है, फिर भी ये हर दिन आए दिन कलेक्टर में जाना, भूख हड़ताल में बैठना, इस प्रकार से एक षड्यंत्र रचकर किसी के कहने पर आकर इनके पीछे कौन है, कोई वरिष्ठ है या कोई भी है, जिनके बहकावे में आकर ये मुझको, मेरे पिताजी को, मेरे परिवार को आए दिन परेशान किया जा रहा है, और हम लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, कोई जांच में पाया जाता है तो हमें भी मालूम पड़ेगा हमारे पर या मेरे पिताजी ने जो दरोगा है उन्होंने कुछ गलत किया है। सभी लोग जानते हैं कि एक दरोगा के पास ना कोई नियुक्ति करने का पावर है, ना कोई पैसे लेने का, ये सभी जो है आरोप, ये आरोप सभी सिद्ध ना हुए ना हो पाए। क्या कारण, क्या क्या मानते हैं आप, कारण क्या है इसके पीछे, जिस तरह से जो ये मामला चल रहा है कंटिन्यूस का हुआ दे रहे हैं लोग, लगता है आपको कहीं ना कहीं राजनीति के लिए खेले जा रही है? राजनीति के जो नगर निगम में पूर्व में 5 से 7 महीने पहले अवैध भर्तियां की गई थी, आज मैं एक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मध्य प्रदेश महावाल्मीकि पंचायत का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मुझे संज्ञान में लिया गया नगर निगम रतलाम के, पूर्व के जो नगर निगम में जो गैंग कर्मचारी थे जिनको बंद किया गया था, उन्होंने मुझको बताया कि भाई साहब अवैध भर्ती नगर निगम जो मैजिक कर्मचारी है, मैजिक हेल्पर में जो ड्राइवर के साथ हेल्पर रहते हैं, उनकी अवैध 12-13 जनों की भर्तियाँ की गई। मैं उसके खिलाफ प्रशासक को भी ज्ञापन दिया, मैंने आयुक्त को भी किया दिया गया कि इसी प्रकार से यहाँ नगर निगम में जो यूनियन के पदाधिकारी जो है नेता, उनके द्वारा अवैध भर्ती की गई, उसको लेकर और समाज के अच्छे कार्यों को लेकर, मेरे परिवार का अच्छा नाम देकर ये मेरे पूरे परिवार को और मुझको लेकर बदनाम किया जा रहा है। शहर के डोंगरी नगर में रहने वाले एक युवक ने अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, कोई सुसाइड नोट आदि भी नहीं मिला। पुलिस अब मामले की जांच कर आत्महत्या के कारण जानने में जुट गई है।
मृतक छोटू राठौर डोंगरी नगर में घर में अकेला रहता था। सर कुछ कारण जाओ ना यार, कारण अभी जानकारी नहीं मिली, अकेला रहता था उसे, एक नहीं आज नीचे रहता था। सुसाइड नोट वगैरह? सुसाइड नोट वगैरह नहीं मिली। शहर में डाली जा रही सीवरेज लाइन की खुदाई से आम जनता को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। शास्त्री नगर में चल रही खुदाई के दौरान लोगों के घरों में जा रही पाइपलाइन को तोड़ दिया गया है, जिससे अब इन लोगों के घरों में पेयजल का संकट खड़ा हो गया है। पेयजल पाइपलाइन को पुनः जुड़वाने के लिए मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेता विजय सिंह चौहान ने सीवरेज कंपनी के कर्मचारियों से बात की तो कंपनी के कर्मचारियों ने मना कर दिया। आक्रोशित कांग्रेस नेता विजय सिंह ने सीवरेज कंपनी का काम रुकवा दिया। क्षेत्र में सीवरेज लाइन डालने का काम जारी है और जिसके कारण लोगों के घरों की पेयजल पाइपलाइन भी इस खुदाई में तोड़ दी गई है। नागरिकों ने सीवरेज खुदाई कर रहे कर्मचारियों को जोड़ने के लिए कहा तो कर्मचारियों ने साफ साफ इनकार कर दिया, जिससे नागरिकों में आक्रोश छा गया। नागरिकों के आक्रोश को देखते हुए अभी फिलहाल सीवरेज का काम भी बंद पड़ा हुआ है। नागरिकों का भी कहना है कि जब तक पेयजल की लाइन को ठीक नहीं किया जाता तब तक वो काम शुरू नहीं होने देंगे। नगर में ड्रेनेज का काम कर रही जैसी मशीन द्वारा यमुनोत्री अपार्टमेंट और शास्त्री नगर के कुछ नल आज तोड़ दिए गए हैं और शास्त्री नगर के रहवासियों ने इनसे विनम्रतापूर्वक नल सर करने की बात करी तो इनका ऐसा कहना है कि जो नाली खोदी है उसके अंतर्गत जो पाइप डैमेज हुए हैं वही सही करेंगे और बाकी जो मेन ट्रंक से इनको सरासर दिख रहा है कि पाइप खिंचाया है जिसके कारण मेन पाइपलाइन से नल कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गए हैं और ये अपनी वाली बता रहे हैं कि नहीं हमको यह इसका पावर नहीं है, कैसे नहीं करेंगे अभी देखता हूँ। तो फिर आगे आज अभी हमने इनको काम रुकवा दिया है, ये गड्ढा केवल भरवा रहे हैं क्योंकि तो रात को कोई गिरे नहीं, आगे जब तक काम नहीं करने दूंगा जब तक ये नल घुमा के लोगों को नल का पानी नहीं मिलेगा जब तक, ये यहाँ चेतावनी हमारी। मेरा नाम मनोज है और शास्त्री नगर यमुनोत्री में रहता हूँ। ये जो सीवरेज का काम चल रहा है इसमें बिल्डिंग के अधिकांश नल टूट गए हैं, 6 से 8 नल में आज पानी नहीं आया है तो हम लोगों को रहने में बड़ी तकलीफ हो रही है। तो कृपया निवेदन है प्रशासन से कि इसको प्राथमिकता पे लिया जाए और बिना जल कुछ भी संभव नहीं है और तीसरी चौथी मंजिल पे चढ़ाना आप समझ सकते हैं क्या परेशानी हो सकती है। या जिन सीवरेज वालों ने नल तोड़े हैं तो इनको क्या आपने जुड़वाई, ये खुद जुड़ के नहीं जा रहे हैं? ये बोल रहा है कि हम यहाँ के नहीं जोड़ेंगे, जो हमसे पाइप डैमेज हुआ है हम वो पाइप रिपेयर करेंगे। पाइपलाइन कैसे फूटी? पाइप भी नहीं जोड़ रहे हैं। मैं बोलता हूँ गांव अड़वानिया की एक युवती की शंकास्पद मौत होने का मामला सामने आया है। युवती के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने की आशंका जताई है। युवती ने अपने घर में ही फांसी लगा ली थी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा। घटना आज दोपहर की है। सैलाना पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम अड़वानिया निवासी अरुणा पाटीदार को अचेत हालत में उसके ससुराल पक्ष के लोग सैलाना हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां से उसे रतलाम रेफर किया गया। रतलाम में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि महिला ने फांसी लगाई थी। महिला के मायके पक्ष से पिता और भाई सूचना पर जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि अरुणा को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था और हो सकता है कि अरुणा की हत्या कर फांसी का रूप दिया गया हो। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। किस महिला की जो मृत्यु का आरोप हो क्या कारण रहा? इसका कारण तो ये है कि पहले तो अच्छा रह रहे थे, उसके बाद में कुछ नहीं था। सुबह मेरे पास में फ़ोन आया, मैंने पहले बच्ची से बात करी और बात करके ना फिर बंद हो गया ना, उसके बाद में आधे घंटे बाद में खबर आ गई कि ये ऐसे हो गया क्या फांसी लगा ली, परंतु यहाँ आके खबर मिली मेरे को कि फांसी लगाई और वहाँ से बोला कि चक्कर आके गिर गई। देखिए अस्पताल हॉस्पिटल ले जा रहे हम, तो कहाँ ले जा रहे कि सैलाना सैलाना से देखिए मर गई। सही बात बताई आपको? किसने सूचना दी थी? सूचना मेरा बाबूलाल जी ने, मेरे साला ने। माता जी बड़े क्या ऐसा किया? तो मतलब पहले तो घर पे भी फोन करना था कि खबर किसी ने दी इन्होंने? खबर तो देना चाहिए। मैं हुआ ऐसा कर दिया तो कि ठीक है, परंतु
कोई भी गांव का तो होगा, गांव में मेरी बच्ची बना रखी है अडवाणिया गांव में, एक बड़ी बच्ची, उसको भी तो खबर देना था, उसकी बड़ी बहन है उसको भी खबर, किसी को खबर नहीं, किसी को खबर नहीं थी, बालो अपने आप ही अपने आप उठा के नहीं ला के पटक दी। ये क्या, कितने साल पहले शादी करी थी? 3 साल पहले। एक बच्ची भी है, पुराना कुछ विवाद वगैरह है? कुछ विवाद नहीं था, अच्छे रह रहे थे। इन्होंने तो पहले से ही प्लान बना रखा था कि